लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज? मेरी पार्टी लोकप्रिय भाजपा जनता पार्टी और हम मोदी जी को जिताना चाहते हैं। मोदी जी ने जो 5 साल में काम किया है, अपना देश कहाँ था पहले लाके किस ने कहाँ पे खड़े कर दिए, कितना कितना काम किए, कितना कितना दुश्मनों को घर में घुस के मारा गया, इसलिए मोदी जी को ही वोट देंगे और उनको जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद रहना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सब चोर भरे हैं, कोई कुछ काम नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं, वो पहले अपना घर भरते हैं इसके बाद काम करते हैं। बीजेपी इसलिए पसंद करता हूँ, बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम करती है। अभी नोटबंदी के अंदर उसने बहुत अच्छा काम करा है और जो पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो बहुत सही करा है, बहुत सही जवाब दिया है पाकिस्तान को। जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपना 56 दिन का सीना दिखा दिया उन्होंने कि हम भी हिंदुस्तान कम नहीं है, हम भी पावर में हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान के नहीं समझे कि हिंदुस्तान चूड़ी बने बैठा, हिंदुस्तान में बहुत ताकत कुव्वत हिम्मत है। पाकिस्तान चाहे, हिंदुस्तान चाहे तो 2 मिनट को पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कौन सी लोकप्रिय पार्टी लगती है, बीजेपी और जो लोग हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए और किस क्या कारण है? बीजेपी जीतना चाहिए। तो उसका पार्टी है ही नहीं उनके मुकाबले में, कोई और पार्टी है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्या कारण लगता है आपको? मोदी जी, दैट्स ऑल। बहुत कुछ किया है जिसमें, अभी बहुत सारी युवाओं के लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग, योजनाएं बहुत की है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो उनको और विधानसभा के चुनाव थे तब हमने कांग्रेस में वोट दिया था। अच्छा। क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक कुसुम थे तो उनसे अच्छा हमें कोई नहीं लगा उस टाइम। अच्छा। अब 2019 का चुनाव है और पीएम को चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या कोई और चेहरा दिख नहीं रहा मोदी के अलावा, तो इस बार तो अब बीजेपी में वोट करना पड़ेगा। किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं? या मेरा तो बीजेपी में ही है। बीजेपी में, और क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को इसलिए करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व वाली बात है उसमें। अच्छा, हाँ, इसलिए तो आप हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मोदी ने ऐसी क्या क्या योजनाएं या क्या क्या काम किए जिस कारण से आपको उनको लाना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं? 5 साल में मोदी के कार्यकाल में कार्यक्रम अच्छा रहा, नोटबंदी से भी बहुत फायदा पड़ा, हर काम बढ़िया रहा है, मोदी से अच्छा और कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत सही काम करा है, सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना का और राशन सबको फ्री मिल रहा है। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम भी कभी मोदी जी के भक्त हुआ करते थे लेकिन आज सच्चाई कुछ अलग है। स्थिति तो वैसे ठीक ही है, अब उनके अलावा जाएंगे कहाँ, कोई अच्छा नेता तो है नहीं सामने बीजेपी के अलावा, तो जाएंगे कहाँ। ये 24 में मोदी सरकार आ जाएगी तो बोनस के रूप में बाकी के पैसे बाद में दे देंगे। लोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में और सपोर्ट में खड़े हैं। गारंटी पे जब भरोसा था तब तो जब्त हुआ नहीं, अब क्या गारंटी पे भरोसा रखेंगे। आपको बीजेपी की ऐसी कोई योजना तो बहुत अच्छी लगी हो? अब बीजेपी की योजना तो सभी अच्छी लगी है, कोई एक जिसके कारण आपको लगाओ कि ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया? बहुत सारे, हमारे इधर में तो गांव से हूँ, मेरे इधर सारे रोड बन गए, कांग्रेस के टाइम में रोड नहीं होती थी। चक्कर क्या है, सरकार तो अपनी है, अपन क्या आंदोलन करेंगे? इसलिए अपन सोचते हैं सरकार जब अपनी है तो अपन क्या आंदोलन करें। मोदी अब मोदी के अलावा हमका समझ में नहीं आवे तो क्या सब बढ़ता है? विकास का कार्य चल रहा है और युवाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं जो लाभ मिल रहे हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, हम उन सबको प्रेरित हैं उनसे, इसलिए हमारा तो वोट भाजपा को ही रहेगा क्योंकि
हम युवा वर्ग भाजपा के साथ चलना चाह रहे इस बार। हो गया, वो मोदी जी की लहर थी और मोदी की गारंटी में लोग वोट देते थे, लेकिन अब तो मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ उठा के देख ले, जितनी सरकारें लंगड़ी रही हैं तो चली नहीं बहुत देर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की देख ले, इंद्र कुमार गुजराल का देख ले, देव गौड़ा का देख ले, ओके पहले उस राजीव गांधी की सरकार लंगड़ी रही, फिर ममता बनर्जी खींच ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी गिर गए। बहुत सारी योजना उन्होंने चलाई, जो लाडली बहना योजना चलाई, मेरी बात सुनो, जनधन योजना है, लोगों को उसमें भी पैसा मिला है, आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना योजना का भी पैसा मिल रहा है, बहुत सारी योजना है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी चलाई है, लोग फायदा उठा रहे हैं, ले भी रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने आपको मालूम राजनीति बहुत खतरनाक होती है, ले सब रहे। आप देखो गली में सबके पास घर में ना उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है, भाई साहब हमारे यहाँ से ये देखो आगे वाली लाइन है ना, वहाँ से कम से कम 100-150 घर गए, तो इसका हेल्प है, सबको मिले, सबको फायदा मिले, वो तो इसका गली मिले।